अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने ये अपनी अलाइनमेंट कैसे क्रिएट की है और हमने इस डाटा का ओवरव्यू देखा था कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आज की वीडियो में हम इसकी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, प्रोफाइल ऑलरेडी गिवन है मगर हमें इसकी कुछ सेटिंग चाहिए और इन प्रोफाइल को हमने ये जो हमने न्यू अलाइनमेंट क्रिएट की है इनके साथ हमने इनको लिंक करना है। ठीक है, अगर अभी हम देखें तो इस अलाइनमेंट में कोई प्रोफाइल नहीं है। ठीक है, अगर हम इसकी अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज में चेक करें, ठीक है, प्रॉस्पेक्टर टाइप में अलाइनमेंट्स है और सेंटर लाइन अलाइनमेंट्स है। अगर हम FRWT को एक्सपेंड करते हैं तो इसमें भी कोई प्रोफाइल नहीं है। GMT को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो इसमें भी कोई प्रोफाइल नहीं है। ठीक है, और ये जो तीसरी हमने क्रिएट किया अलाइनमेंट, इसमें भी कोई प्रोफाइल नहीं है। ठीक है, प्रोफाइल सिर्फ जो है वो इसी में है जो फर्स्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है अलाइनमेंट। ठीक है, तो इसको जो है मैं थोड़ा रीनेम कर देता हूँ ताकि हमें ओके। अभी हमारे पास चार अलाइनमेंट हैं हमारी ड्राइंग में, जबकि प्रोफाइल हमारे पास जो है एक ही प्रोफाइल व्यू में है। ठीक है, मगर वो इस अलाइनमेंट से, ये जो हमने न्यू क्रिएट की है, इनसे लिंक नहीं है वो। ठीक है, तो हम इससे कैसे लिंक करेंगे वही हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हमने ये जो प्रोफाइल गिवन है, ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोफाइल्स हैं। ठीक है, और इनको हम देख लेते हैं एक दफ़ा कि इनमें क्या क्या चीज़ है। ठीक है, जैसे ये मैं ज्योमेट्री एडिटर में जाता हूँ और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 44,500 से ही स्टार्ट है। ठीक है, और एंड जो है 49 पे हो रहा है। तो यही हमारी चेंजेस थे जो हमें रिक्वायर्ड हैं। अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इनको रीनेम करना है। ठीक है, तो मैं प्रोफाइल प्रॉपर्टी में जाता हूँ। यहाँ पे ये जो गिवन है ऑलरेडी, इसका डेटा जो गिवन है वो GE01 और GW01 है। तो ये GMT अलाइनमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको GMT का नाम दे देता हूँ, GMT डिज़ाइन। ओके, और यहाँ पे जो है इसका जो स्टाइल है वो मैं डिज़ाइन प्रोफाइल में इसको कन्वर्ट करता हूँ, कॉपी करंट सिलेक्शन। ओके, ये हमारी GMT की है। तो ये जो है हमारी प्रोफाइल थी, ठीक है, ये हमारी GMP प्रोफाइल है। ठीक है, ओके, और यहाँ से मैं इसका जो कलर है वो चेंज कर देता हूँ ताकि बाद में आइडेंटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना। ठीक है, तो GMP जो है इसको मैं येलो का कलर दे रहा हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। अभी हमारे पास जो दूसरी प्रोफाइल है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो FW1 दिया है, ठीक है, तो ये FRT लाइन अलाइनमेंट जो है ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसको भी मैं रीनेम करता हूँ। FRT, ओके, FRT डिज़ाइन, इसको भी मैं डिज़ाइन प्रोफाइल में कन्वर्ट करता हूँ और इसका जो मैं कलर है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ, कॉपी करंट सिलेक्शन। ओके, FRT है इसका नाम जो है। ओके, और डिस्प्ले जो है इसमें मैं इसका कलर जो चेंज करके मजेंटा कर देता हूँ। कलर चेंज हो गया इसका। ठीक है, अभी ये आइडेंटिफिकेशन में इजी हो गया हमारे लिए। ठीक है, और ये लास्ट प्रोफाइल है इसकी, आप देख सकते हैं इसमें HE01 लिखा है। तो ये जो हमारी HSR की अलाइनमेंट है, ठीक है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ये हॉरिजॉन्टल प्लान में कहाँ कहाँ पे आती है। ठीक है, और इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टी। ओके, और ये हमारी HSR है। ओके,
और इसको मैं डिजाइन प्रोफाइल में कन्वर्ट करता हूँ, और इसको मैं एज इट इज जो इसका बाय डिफॉल्ट कलर आता है केवल 3D में ब्लू, ठीक है, मैं इसको यही रख रहा हूँ। तो ये हमने इसको कर लिया है, यहाँ पे हमें लेबल वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, तो वो आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे, जो रोड की सीरीज होगी उसमें हम देखेंगे कि ये जो ऑफसेट प्रोफाइल होती हैं इनके हम लेबल जो है वो बैंड वगैरह में कैसे शो कर सकते हैं, और इनको मजीद हम कैसे और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं ऑफसेट प्रोफाइल। तो इस डाटा के हिसाब से अभी जो है हमारी 3 प्रोफाइल है हमारे पास, ठीक है, और 4 अलाइनमेंट है हमारे पास। ये हमारी रेफरेंस लाइन है, ठीक है, और ये हमारी जो है जिनके प्रोफाइल हमें गिवन है ये वो लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी जो सबसे पहले हमने देखना है वो हमने इनके प्रोफाइल क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो प्रोफाइल क्रिएशन के लिए जो मेथड है, सबसे पहले हम इसका सरफेस प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं ये जो FRT है, ठीक है, इसको मैं ले रहा हूँ FRT, और इसमें मैं एग्जिस्टिंग ग्राउंड ऐड कर रहा हूँ, ड्रा इन प्रोफाइल व्यू, ओके, और यहाँ पे मैं इसको नाम दे रहा हूँ FRT, ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ओके। इनमें हमें लेवल वगैरह कुछ नहीं चाहिए बैंड में, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिया है, ओके। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्टेशन के हिसाब से इसका OGL ड्रा हो गया है, ठीक है, ये OGL और वो OGL में यहाँ पे डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, वही प्रोफाइल हमें इसी प्रोफाइल में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने FRT लेनी है। FRT कौन सी हमारी? FRT हमारी मजेंडा लाइन, ये जो मजेंडा लाइन है ये हमारी FRT प्रोफाइल है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे ये जो सुपर इम्पोज की ऑप्शन है यहाँ से मैं इसको लेता हूँ, ठीक है, और इस प्रोफाइल व्यू पे ला के मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, ओके करता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये अलाइनमेंट प्रोफाइल जो है वो आ गई है, और ये जो इस लाइन के इस अलाइनमेंट के साथ ये अभी एसोसिएट हो गई है, लिंक हो गई है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें इसके लेवल चाहिए, ठीक है, तो इस प्रोफाइल व्यू को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओके, प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टी, और यहाँ पे बैंड में हमने इसको, यहाँ पे हमारा FRT डिज़ाइन है, ओके, और इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये लाइन कट रही है क्योंकि इसका प्रोफाइल व्यू का ये जो एलिवेशन है, ठीक है, वो कम है, इसलिए इसको हमें दोबारा से रीअरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे यूजर स्पेसिफाइड है, यहाँ पे मैं इसको -5 कर देता हूँ क्योंकि इसके एलिवेशन कुछ माइनस में है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं अभी ये प्रोफाइल व्यू में आ गई है प्रॉपरली, ठीक है। तो सेम मेथड से हम बाकी की भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्रिएट सरफेस प्रोफाइल, अलाइनमेंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओके, ये हमारी अलाइनमेंट है, ये HSR है, ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अलाइनमेंट हमारी सिलेक्ट हो गई, यहाँ से आपने OGL सरफेस सिलेक्ट करनी है, ऐड करना है, ड्रा इन प्रोफाइल व्यू करना है, और यहाँ पे आपने इसका प्रोफाइल व्यू नेम दे देना है HSR, ओके, और इसको आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको आपने ड्रा कर लेना है, क्रिएट प्रोफाइल व्यू। ये हमारी दूसरा प्रोफाइल व्यू ड्रा हो गया है, सेम मेथड से हमने अपना प्रोफाइल इसमें ले आनी है। HSR जो है वो हमारी ब्लू लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इसको हमने जो है अभी सुपर इम्पोज कर देना है अपने न्यू प्रोफाइल व्यू पे, ओके। तो सेम इसके लिए भी हम मेथड यूज करेंगे, ठीक है। एलिवेशन इसका जो है वो -5 करना है, और बैंड स्टाइल में इसको जो है HSR जो डिज़ाइन है वो हमने सेलेक्ट करना है इसमें, ठीक है। लेवल आप देख सकते हैं इसमें असाइन हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पे OGL बहुत ऊपर है और PGL जो है वो नीचे है, और यहाँ पे जो है OGL और PGL में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अभी हमने अपना तीसरा प्रोफाइल व्यू क्रिएट करना है, क्रिएट सरफेस प्रोफाइल, अलाइनमेंट सेलेक्ट करें, ये हमारी अलाइनमेंट है लास्ट GMT, ओके। यहाँ पे डिज़ाइन OGL जो है वो सरफेस हमने इसमें ऐड की है, ड्रॉ इन प्रोफाइल व्यू, नेक्स्ट, बैक, ओके, और यहाँ पे जो है GMT, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके, क्रिएट, और यहाँ पे मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। ये प्रोफाइल हमारी तीसरी भी क्रिएट हो गई है। अभी इसमें हमने अपना डिज़ाइन प्रोफाइल जो है वो लाना है, ठीक है। तो GMT जो हमारी येलो लाइन थी, ठीक है,
अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने एक येलो लाइन ड्रा की थी, ठीक है, ये प्रोफाइल एक दूसरे के ऊपर आती है, इसलिए इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं इसके कलर चेंज किए थे कि जहाँ पे ये वेरिएबल है वहाँ से हम लोग इसको सिलेक्ट कर लें। ओके, तो ये यहाँ पे आ गई है, सेम प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। ओके, इसका एलिवेशन हम जो है वो चेंज कर देते हैं -5, और बैंड स्टाइल में हम इसका ओके। तो प्रोफाइल हमारी क्रिएट हो गई है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसके लिए असेंबली क्रिएट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।